YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद पलामू जिला इकाई की तत्वाधान में प्रमंडल स्तरीय त्रैमासिक बैठक डाल्टनगंज शहर आवासीय राजाभाव स्मृति भवन में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता सूबेदार मेजर जीन पांडे ने की। इस अवसर पर संगठन में शामिल नए सदस्यों सर्जेंट पीके मिश्र और हवलदार रामस्वरूप सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में चर्चा के तहत ECHS में हुए नए बदलावों, जिसमें नए कार्ड बनवाने, अकस्मात बीमार होने पर पूर्व सैनिकों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा की गई। मौके पर ECHS प्रभारी कर्नल संजय अखौरे ने पूर्व सैनिकों से ECHS की सदस्यता यथाशीघ्र ग्रहण करने का आग्रह किया। संघ प्रचारक अजय ने बताया कि सशक्त भारत निर्माण में पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्नल संजय कुमार सिंह ने संसदीय समिति द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा के अनुमोदन का स्वागत किया। उन्होंने जनसंख्या नीति देश में सख्ती से लागू करने की मांग भी की। इस मौके पर भट्ट के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने पर विशेष बल दिया गया। आज जो है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का परमंडलीय त्रैमासिक बैठक हुआ है। इसमें बहुत से तीनों जिलाओं से पूर्व सैनिक सम्मिलित हुए हैं। इसमें सैनिकों के हित में जो समस्या है उसको प्रमुखता से उठाया गया है। साथ में सीमा पर जो शहीद हुए हैं और सुकमा में जो शहीद हुए हैं, आंतरिक सुरक्षा में या बाह्य सुरक्षा में, सभी को जो है सो श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और अपने सैनिकों से आग्रह किया गया है कि राष्ट्रहित में काम करें। राष्ट्रहित है तभी हम हैं, राष्ट्र हैं तभी हमारा कल्पना है या हमारा अस्तित्व है। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो ऐसे नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह या अफजल तेरा जिंदा कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा हैं, इन सबों को जो भटक गए हैं उनको सही रास्ते पर लाने का मार्गदर्शन का काम पूर्व सैनिक करेगा। और सभी सैनिकों से निवेदन है कि ऐसा ही समाज में काम करें जिससे भटके हुए हमारे लोग जो समाज में भटक गए हैं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, उनमें जो है सो राष्ट्रभक्ति आए, राष्ट्र एकता के भावना हो। इन्हीं सब बातों पर चर्चा किया गया है।